एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रेगनेंसी में मिलने वाले ऐसे 6 संकेत या 6 रीजन जिसको देखकर आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपका जो बच्चा है गर्भ में एकदम सेफ है बिना किसी अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट होगा या फिर आपको जानना है कि बच्चा आपका सेफ है कि नहीं, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो होता है बेबी की हार्ट बीट फील होना। अब बेबी की हार्ट बीट 6 वीक के बाद आपको फील होने लग जाती है और ये बहुत ज्यादा लाइक आपके दिल को संतुष्टि देने की बात होती है कि आपको बच्चे की हार्ट बीट फील हो गई। इसका मतलब है बच्चा आपको एकदम तंदुरुस्त है, ठीक है, सुरक्षित है। क्योंकि हार्ट बीट स्टार्टिंग के टाइम पे फील ना होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का रीजन होता है। बट अगर आपके बच्चे के टाइम पे हार्ट बीट आ गई है, इसका मतलब बच्चे का जो वजन है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो टाइम पर हो रही है। बट कभी कभार ये भी होता है कि बच्चे की हार्ट बीट 6ठे वीक में ना आकर 7वें 8वें वीक में भी आती है। तो डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा वेट करते हैं आपके 9 वीक के एंड होने का। अगर तब भी आपकी हार्ट बीट नहीं आती तो इसका मतलब आपका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, बच्चा जो है वो ठीक नहीं है। बट अगर हार्ट बीट आई है तो समझ जाओ कि बच्चा आपका एकदम तंदुरुस्त है और सुरक्षित है। अगला है आपका मदर का वजन बढ़ना। अब सब सोचेंगे प्रेगनेंसी है वजन तो बढ़ेगा। देखो, वजन बढ़ना भी एक रेशियो होती है जो कि 10 से 12 किलो की होती है। अगर इससे ज्यादा वजन बढ़ रहा है तो भी ठीक है, इससे कम बढ़ता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि बच्चे का वजन अंदर कहीं ना कहीं 2 किलो 3 किलो 4 किलो तक तो होता ही है और उसके अलावा 6 से 7 किलो जो है अम्यूटिक फ्लूड भी होती है। अगर उसके बावजूद भी आपका वजन 12 से 15 किलो नहीं बढ़ा, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो सुरक्षित नहीं है, बच्चे की ग्रोथ है वो रुक चुकी है और आपका जो आप जो उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो वो पूरे नहीं पड़ रहे। तो ये अपना वजन भी देखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपना वजन टाइम टू टाइम जब भी डॉक्टर की विजिट करें तो नपवाएं, अपना वजन चेक करें, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में चेक करें और बाद में प्रेगनेंसी जिस हिसाब से चल रही है तब भी आप चेक करते रहें। अगर तो वजन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो इसका मतलब बच्चा सुरक्षित है। अगर वजन में कहीं भी किसी भी तरह का घाटा नजर आ रहा है, आपको कम होता नजर आ रहा है, तो आप समझ जाओ बच्चा आपका सुरक्षित नहीं है और डॉक्टर को मिलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगला है आपका पेट का आकार बढ़ना। देखो, तो पेट का आकार तो प्रेगनेंसी में बढ़ता ही है, बट कई बार क्या होता है पेट का आकार कम बढ़ता है, कई महिलाओं का बहुत ज्यादा बढ़ता है। पहले 3रे महीने में, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें तो बिल्कुल नामात्र बढ़ता है, बट 4थे से 5वें महीने में बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका तब भी पेट नहीं दिखाई देता तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका मतलब है बच्चे ने अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ी, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले या आपके अंदर कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स की कमी है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ सही नहीं है और बच्चा जो है अंदर सुरक्षित नहीं है। अगर आप डॉक्टर से मिल लोगे तो हो सकता है डॉक्टर आपको इंजेक्शन देकर या डॉक्टर आपको सही टाइम पे देकर उसको आगे प्रोसीड करवाने में आपकी मदद करे और हो सकता है वो प्रेगनेंसी अच्छी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको अगर लगे कि जो बच्चे का वजन है, लाइक पेट है आपका, वो नहीं आगे बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना चाहिए। अगला है आपका शिशु के पेट में मूवमेंट या हलचल। शिशु जो है 4थे से 5वें महीने में मूवमेंट करना शुरू कर देता है, बट कभी कभार क्या होता है मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं हो रही, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप कम से कम भी 10 से 15 मिनट वेट करिए, कुछ खाइए पिए, अपनी लेफ्ट साइड करवट लेके लेटिए। अगर तब भी आपको फील ना हो तो दिन में कम से कम 12 घंटे आपको वेट करना है। अगर तब भी नहीं होती आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे तक पेट के अंदर सोता है या मूवमेंट नहीं करता, बट इसके बाद दोबारा स्टार्ट कर देता है। और ये भी तभी होता है जब आपका प्रेगनेंसी का एकदम लास्ट के मंथ्स चल रहे होते हैं, बीच में जो सेकंड ट्रेमेस्टर होता है उसमें बच्चा खूब मूवमेंट करता है, खूब हलचल करता है, तब भी आपको मूवमेंट महसूस नहीं हो रही, तब आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है। और बिना अल्ट्रासाउंड के भी कभी ना कभी डॉक्टर के करते हैं, बच्चे की हार्ट बीट चेक कर लेते हैं और हार्ट बीट से भी पता चल जाता है कि बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं है। अगला है आपका HCG लेवल का सही होना। तो देखो, HCG लेवल क्या होता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो वो 2 लाइंस पॉजिटिव तभी आती है जब आपका HCG लेवल एकदम बैलेंस होता है। HCG लेवल फर्टिलाइजेशन से बाद फर्टिलाइज एग को पूरे न्यूट्रिएंट्स देने में मदद करता है। फर्टिलाइज एग मीन्स आपका जो बच्चा है उसको, और
अगर वो एसिडी लेवल आपका सही नहीं होता या कंट्रोल नहीं होता, जो वो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और वो ग्रोथ अपनी नहीं पकड़ता। तो अगर आपको लगता है कि जो आपका एसिडी लेवल है, जो आप प्रेगनेंसी किट आपने करी है उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ लाइन है और आपको आपके पीरियड मिस हुए को 15 दिन या 1 महीना हो चुका है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डायरेक्टली शो करता है कि आपकी बॉडी में एसिडी लेवल कम है और आपके बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। सॉरी, इस चीज में भी बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ता और कहीं ना कहीं बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाती है, बच्चे में कोई ना कोई अंग बनने में प्रॉब्लम आ जाती है और बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाती। अगला है आपका पेट में ज्यादा अकड़न होना। तो ये एकदम कॉमन है, क्योंकि पेट में अकड़न आपके तभी होती है जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ जाता है। आपके पेट में गर्भाशय के आसपास जो ब्लड की नलियां होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़ता है, क्योंकि बच्चे को ब्लड देने में, बच्चे तक खाना पहुँचाने में, बच्चे तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपके पेट में अकड़न आ रही है और आपको दर्द हो रहा है लेकिन बहुत हल्का हो रहा है, तो तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बॉडी प्रोसेस अपना कर रही है, बच्चे तक खाना पहुंचा रही है और बच्चा जो है एकदम हेल्थी वेल्थी ठीक है। तो ये चीजें थी जिसको आप देख कर ही पता लगा सकते हो कि बच्चा आपका गर्भ में एकदम सुरक्षित है। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैं समझाना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।